नमस्कार, मैं अंकुश और आप जुड़े हैं द फैक्ट आई के साथ। आज आपको लिए चलते डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डायरेक्ट लोगों से लाइव बातचीत करने के लिए। जानते हैं इस महिला से ये क्या बताती है बाबा जी के बारे में। जी आपका नाम? रानी। आप भी डेरा से जुड़ी हैं? हाँ। क्यों जुड़ी हैं आप डेरा से? हमारा दुख टूटता है, कैंसर वर्गे बीमारियाँ छूटती हैं, हमारे बच्चों को सब कुछ मिलता है जी। आज भी आपका भरोसा है बाबा जी? हाँ हाँ, भरोसा है, हमेशा रहेगा। हाँ हाँ। क्यों? क्या हमारी बीमारियाँ टूटी, हमारे प्रेम बनता है, हमारे संगत को पता लगता है भी हम क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते, बाबा जी ने हमारे वास्ते क्या करा नहीं करा जी। हाँ, आज बाबा जी समाज में सत्संग नहीं लगा रहे, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है हमारे को। किस तरह का? हमारे को बेटियों जैसे बदलते हैं हमारे पिताजी, ऐसे भूल नहीं सकते जी। आज बाबा जी को आने की जरूरत है? हाँ, हमारे को आशा है भी आज ही बाबा जी चाहते। लोग कहते हैं कि डेरा में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है, गुरु के पास का सुरक्षित है। आपने आज तक कुछ डेरा में गलत होते नहीं देखा? नहीं देखा, हमारे को देखे नहीं, हमारे को 40-45 साल हो गए आते, ऐसा कोई नहीं देखा। 40-45 साल हो गए तो हाँ। पता होगा बाबा जी कैसे हैं, कैसा है उनका व्यवहार? व्यवहार ऐसा नहीं बता सकते हमारे बाबा जी को जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार को कहते हैं कि जैसे गए हमारे गुरु जो ऐसे बहते हमारे हम आते ऐसे ही बेनती करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।